भाई रेलवे वाले भी अपना फर्ज निभा रहे अभी भाई। ऐसे कैसे रोक दिया आज? पहली दफा किसी ब्रिज पे गाड़ी रुकी हुई देखी मैंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई YouTube वीडियो के अंदर। और आज अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर से प्रयागराज की तरफ जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। फिलहाल मैं खड़ा हूँ अभी जयपुर जंक्शन और अभी टाइम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। टाइम हो रहा है 4:24, मेरी गाड़ी आने वाली है 4:30 पर जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि वैसे तो हावड़ा तक जाएगी लेकिन मेरे को जाना है प्रयागराज तक, जो कि आज के दिन ही सेम डे 3 बजे के आसपास पहुंचा देगी। तो दोस्तों मेरी गाड़ी का नंबर है 12308 और गाड़ी का नाम है जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मेरा जो कोच आया है वो है 3rd AC इकोनॉमी, जो कि है M129। तो मेरे यार किस्मत ही मतलब वैसी है कि मिडल सीट आ रही है अभी हाल फिलहाल के दिनों में। इस साल मैंने जितना भी सफ़र किया है साइड लोअर तो बहुत रेयर ही मिलती है, गाड़ी की जो सीट है अपने को मिलती है मिडल बर्थ या फिर अपर बर्थ। ये पता नहीं रेलवे ने क्या सिस्टम किया है। ये मेरे सामने से गाड़ी जा रही है साबरमती दौलतपुर चौक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो दोस्तों अपनी गाड़ी अभी 3 किलोमीटर दूर है जयपुर जंक्शन से और टाइम बता रहे 3:39 पर वो गाड़ी यहाँ पर आएगी। तो अभी काफ़ी टाइम है भाई, सामने से अपनी गाड़ी आती हुई दिख रही है और भाई टाइम की बड़ी वो है, 4 मिनट डिले है वैसे। तो गाड़ी अभी रुकी भी नहीं है और एसी में भी देखो कैसे चढ़ने के लिए अफरा तफरी रहती है। ये अपना कुछ कोच है M1, क्योंकि ये रिजर्व्ड है तो अपने को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है इसलिए मैं आराम से चढ़ूंगा और गाड़ी अभी 10 मिनट और रुकेगी तो दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरी सीट वैसे आगे की तरफ है तो मुझे इधर से ही बोर्ड करना चाहिए मतलब गाड़ी को। मेरा है 29, यानी कि ये ऐसा कुछ मिडिल बर्थ है तो अपने को चढ़ना है तो मैं उधर से चढ़ता हूँ जहाँ से कोई भी नहीं चढ़ रहा है। मेरा 29, Where is the 29? Yeah, here is the 29. ये अपनी सीट है भाई, ये वाली। देखो यार कितना हो गया ये लिनन। कोच अटेंडेंट आएगा फिर इसको लेके जाएगा, अभी तो सबको पहुंचा रहा है एक एक बेड रोल। टाइम तो वैसे एक्सीड कर चुका है, 5:03 हो रहे हैं। वैसे इसको निकलना था 4:45 पे। वो देखो सामने, तो शायद अभी 2 मिनट बाद चलेगी गाड़ी। तो दोस्तों अपना सफ़र स्टार्ट हो चुका है, टाइम हो गया है 9:05, तो काफ़ी थोड़ा लेट हो गई चलने में। वैसे टाइम से तो पहुंच ही गई थी, 5 मिनट लेट थी लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा लेट है ये डिले डिपार्चर होने में। चलो जयपुर यार अब ये लंबा वीकेंड रहेगा अपना। वैसे यार इसमें मैं जब देख रहा था तो बता रहा था कि साइड में मिडल भी है बट साइड में मिडल नहीं है इधर, और टॉयलेट वगैरह भी साफ सुथरे तो नहीं दिख रहे हैं। वैसे मोस्टली जो सवारी है इसमें चढ़ती है वो जयपुर से ही चढ़ती है, जोधपुर से गाड़ी ऑलमोस्ट खाली चलती है, मतलब आधी ही सीटें मैंने देखा कि फिल्ड रहती है। गाड़ी चलती है भाई, TT ने भी अपनी सीट कन्फर्म कर दी। ये अपनी सीट है, इसको मैंने सजा भी दिया है। टॉयलेट के बाद ये अपन आके सोएंगे इधर। फिलहाल अभी गांधीनगर स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और अपन ने अपना नाश्ता भी कर लिया है, 5:19 हो रहे हैं। अब आराम से अपन सोएंगे भरतपुर तक और उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो स्टेशन के बाहर से ही मैंने अपने ब्रेकफास्ट का जुगाड़ कर लिया था और सुबह सुबह गर्म था तो मैंने गाड़ी बोर्ड करते ही इसे खाना सही समझा, क्योंकि गर्म गर्म खाने में फ़ायदा था। जहाँ मेरे आसपास के सारे लोग सोने का जुगाड़ कर रहे थे सुबह 5:30, वहीं मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था अपनी सीट पर खड़े होके, वो भी मिडल बर्थ में। पहले मुझे ये सब करना थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता था लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। कल मैं अपना जो कचरा है वो डालने आया हूँ लेकिन यहाँ की हालत देख के मुझे लग रहा है कि ये खुद ही एक कचरा है और ये कूड़ादान भी पूरा टाइट है। कूड़ेदान के अंदर डाल दिया, अपन ने तो अपना फ़र्ज निभा दिया, अपन ने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया भाई, रेलवे वाले भी अपना फ़र्ज़ निभा दें अभी।
ये टूटा फूटा सही नहीं लग रहा। गाड़ी अभी पिछले 20 मिनट से खड़ी यहीं पे मंडावर मवा, तो भरतपुर में लेट हो जाएंगे अपन। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हो रहे हैं 9:30 और अभी मैं पहुंच गया हूं भाई आगरा। आगरा किला तो आगरा है ये भाई, तो आगरा का पेठा बड़ा फेमस है, तो ये आपको मिल जाता है। मैंने तो भाई ये लिया है अमूल कूल केसर मिल्क। तो ये स्टार्ट हो रहा है यमुना ब्रिज और ये है आगरा किला, जिसके नाम से स्टेशन का नाम है आगरा किला। तो अभी देख लो कितना बड़ा जो है ब्रिज है, जो देखने को मिलेगा आपको। वो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है ताजमहल, आज पहली दफा क्लियर दिख रहा है। अरे भाई ऐसे कैसे रोक दिया आज, चलो कैट जो भी है आपको मैं ताजमहल तो दिखा सकता हूँ। आज पहली दफ़ा किसी ब्रिज पे गाड़ी रुकी हुई देखी मैंने, और अभी चल भी थी। ये है जो यमुना जो नदी है, बिल्कुल सूखी हुई है अभी। यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, गंदी कर दी है, इतनी गंदगी है इसमें। ये अभी हम पहुंचे हैं टुंडला जंक्शन, और भाई गर्मी बहुत तगड़ी है अभी बाहर। 9:30 बजे के आसपास पहुंचना था इसको, लेकिन लेट हो गए। फिलहाल अभी निकल रहे हैं इटावा से, यहाँ पे गाड़ी 42 मिनट डिले है, मतलब थोड़ा बहुत कवर कर लिया इसने। शानदार लगता है वेग 12। जितेंद्र सिंह देखो, तो ये आके अपनी मिष्टी दही भाई ने मुझसे पहले तो मांगे 30 रुपये, बट फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये तो 25 लिखा हुआ है, ये देखो दिख रहा है 25, तो बोले ठीक है आप 25 ही दे दो। तो थोड़ा अवेयरनेस के लिए मैंने ये बनाया वीडियो। देखो मिस्टी तो यार क्या लग रही है भाई। इसमें ले जाए जा रहे बहुत सारे वायर्स, जो दिख रहा वो वायर्स, ओ माय गॉड गई गाड़ी। पहली दफ़ा मैं USB का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे,
थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के अंदर और ये काम कर रहा है, देखो काम कर रहा है भाई। इस गाड़ी ने कमाल ही कर दिया, ये देखो कहाँ एक घंटा डिले चल रही थी और अभी ऑन टाइम के आसपास ही है। हम पहुंचे हैं कानपुर सेंट्रल, और सामने गाड़ी है रांची आनंद विहार टर्मिनल। गाइस ये अपन आ गए फतेहपुर जो कि लास्ट स्टेशन होने वाला है प्रयागराज से पहले, और इसके बाद अपनी मंजिल है प्रयागराज जहाँ पर अपन इस गाड़ी को डिबोर्ड कर देंगे। और इधर भी यार काम चल रहा है अभी रिनोवेशन का, जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो स्टेशन को रिनोवेट किया जा रहा है। वो सामने देखो वो भी बन रहा है अभी। यकीनन बारिश आ रही है क्योंकि यार अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वरना बहुत गर्मी थी अभी बाहर। ये कौन सा स्टेशन है, खैर अपन अपनी मंजिल से 7 किलोमीटर दूर है। खतरनाक है, अभी थोड़ी दूर बचा और यहाँ पे रेड सिग्नल हो गया यार, तो गाड़ी रुकी हुई अपनी। और फिलहाल अपन एक घंटे से भी ज़्यादा लेट हो चुके हैं यहाँ पे। ये देखो 3:40 पे इसको यहाँ पहुँचना था प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज स्टेशन पर अभी करीबन 300 मीटर चलने के बाद कर्व पे आके रुक गए अपनी गाड़ी, और यहाँ से पूरी गाड़ी का व्यू दिख रहा है। ये देखो वो टेल दिख रही है आपको और वो हेड दिख रहा है, ये देखो फिर से रुक गई है यार स्टेशन से बाहर, क्योंकि शायद प्लेटफॉर्म फ्री नहीं होगा जिस वजह से यहाँ बार बार रुक रही है, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया यार, 5:30 बजा देंगे मुझे स्टेशन पर ही घूमते घूमते, फिर मुझे लोकल रूम में अपना बैग भी रखना है यार। तो दोस्तों आ गए अपन प्रयागराज जंक्शन, ये देखो प्रयागराज का बोर्ड, काफ़ी डिले कर दिया, मतलब 1.5 घंटे से भी ज़्यादा डिले है अपन यहाँ पर अभी। वैसे कानपुर के बाद से ही मतलब मौसम चेंज हो गया था, जैसा कि दिखाई दे रहा है बारिश का सा, और 7 बजे तक यहाँ रोशनी रहेगी। प्रयागराज स्टेशन की तो कायाकल्प होने वाली है, पूरा जो स्टेशन है देखो पूरा का पूरा जो स्टेशन है रिनोवेट हो रहा है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब कितनी लाइनें चेंज करके इस साइड आया है। लोग गाइस अपन पहुंच गए हैं प्रयागराज, और भाई बहुत मतलब 5 किलोमीटर तो इसने इतना स्लो चला के लेकर है ना कि देखो 5:21 कर दिए इसने। तकरीबन 12 घंटों के अंदर अपन ने 700 किलोमीटर का सफर तय किया है प्रयागराज तक पहुँचने के लिए, और अभी मौसम भी बड़ा शानदार हो रहा है। तो अपनी गाड़ी का डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो गया है और पार्सल वगैरह सब यहीं उतार दिए इन्होंने। खैर आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन प्लीज। ये देखो भाई पीछे पानी है, थोड़ा मोबाइल को संभालना पड़ेगा मुझे। 2025 के कुंभ मेले की तैयारी अभी से चालू हो चुकी है। सामने है भाई बड़े हनुमान जी का मंदिर, इवन 20 मीटर दूर तक यहाँ पे अलाउड है। क्या इतना लंबा चढ़ना पड़ेगा,